सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। आज के स्टूडियो में बात करेंगे फ्यूचर गेम शो के बारे में, कब होने वाला है, इसकी टाइमिंग क्या है और इसमें कौन कौन से डेवलपर्स अपने गेम को शोकेस करेंगे। और इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे बैटलफील्ड 6 के बारे में, क्योंकि इसकी भी कुछ लीक्स निकल कर सामने आ रही है, जिसे हमें पता ही चलता है कि बैटलफील्ड 6 का ट्रेलर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में फ्यूचर गेम शो और बैटलफील्ड 6 के बारे में आपको बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज़ और गेमिंग रिव्यूज रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। फाइनली एक और गेम शोकेस इवेंट आ चुका है। अब ये इवेंट बहुत ही जल्द होने वाला है और ये इवेंट बेसिकली गेम्स रेडार की तरफ से होने वाला है। फ्यूचर गेम शो इस इवेंट का नाम है और ये हमेशा स्प्रिंग में होता है। अगले साल भी ये स्प्रिंग में ही हुआ था। यहाँ पे इसके डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो गेम्स रेडार का कहना है कि द फ्यूचर गेम शो विल बी बैक ऑन March 25th फॉर ए स्पेशल स्प्रिंग शोकेस फीचरिंग 40 गेम्स फ्रॉम मोर देन 30 डिफरेंट पब्लिशर एंड डेवलपर्स इंक्लूडिंग सेगा, टीम 17, फ्रंटियर, वार्नर ब्रस एंड EA। तो ये जो है गेम्स रेडार की तरफ से स्टेटमेंट आया है और इसमें हमें ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे 40 से भी ज्यादा गेम्स होने वाले हैं और 30 डिफरेंट पब्लिशर्स के गेम्स होने वाले हैं या डेवलपर्स के। और उन्होंने कुछ का नाम भी मेंशन किया है, लाइक सेगा, टीम 17, फ्रंटियर, वार्नर ब्रस और EA। और इसमें डेट भी बता दी गई है कि 25th March को ये होने वाला है। तो ये इवेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसमें आपको बहुत सारे नए सरप्राइजेस भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये पूरा AAA टाइटल पे बेस्ड नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जो टाइटल्स है वो आपको दिखाए जा सकते हैं। रूमर्स के यहाँ पे आपको हैरी पॉटर का एक ट्रेलर दिखाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है वार्नर ब्रस जो है इस इवेंट में है, तो हो सकता है चांसेस है कि हैरी पॉटर का आपको कुछ ना कुछ नया ट्रेलर या टीजर दिखाया जा सकता है। क्योंकि हैरी पॉटर हमें पता है जो हॉगवर्ट्स लेगेसी है वो डिले हो चुका है 2022 के लिए और उसकी कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट जो है वो निकल कर नहीं आई है। तो चांसेस है यहाँ पे हॉगवर्ट्स लेगेसी का आपको नया ट्रेलर दिखाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड के बारे में तो कुछ डिटेल्स अभी नहीं आई है, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड रिलीज होने में काफी टाइम है। और बैटमैन गॉथम नाइट के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गेम प्ले ट्रेलर दोनों रिवील हो चुका है, तो हॉगवर्ट्स लेगेसी जो है वो बाकी है। तो इसके रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। अगर इस इवेंट के एग्जैक्ट टाइम के में बात की जाए तो यहाँ पे उसको भी लेकर स्टेटमेंट आ चुका है गेम्स रेडार की तरफ से, और उनका कहना है यू कैन वॉच दी शो ऑन थर्सडे March 25th एट 14:45 PDT, 17:45 EDT, 21:45 GMT ऑन ट्विच, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड राइट देयर ऑन गेम्स रेडार। तो गेम्स रेडार के भी आप साइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे आप ये इवेंट को देख सकते हैं। और अगर इसके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात की जाए तो ये 3:15 AM नाइट में ये इवेंट देने वाला है लाइव YouTube चैनल पे गेम्स रेडार के, और IGN में भी शायद आपको दिखाया जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस इवेंट को जरूर देखें, क्योंकि इस इवेंट में कुछ ना कुछ अच्छा हमें देखने को मिल सकता है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है इसमें कुछ गेम AAA टाइटल्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन कौन से गेम दिखाए जाएंगे। बट जो भी गेम्स आएंगे यहाँ पे बड़े बड़े पब्लिशर का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, डेवलपर्स का नाम दे दिया गया है, तो होप कि ये इवेंट बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये तो रही इस इवेंट के बारे में कुछ डिटेल्स। अब आते हैं बैटलफील्ड 6 पर, क्योंकि बहुत टाइम से ये रूमर चल रहे हैं कि बैटलफील्ड 6 का जो ट्रेलर है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। स्प्रिंग में पहले बात था कि इसका ट्रेलर आने वाला है, मार्च तक आ जाएगा, मार्च अप्रैल तक, बट ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो ट्रेलर है वो डिले हो चुका है और ये मई तक आएगा। और मई में ये बताया गया है कि मिड मई तक आ सकता है, चांसेस हैं मिड मई के अंदर आपको ये ट्रेलर देखने को मिल सकता है EA की तरफ से, क्योंकि डाइस ने इस गेम पर काफी ज्यादा मेहनत किया है, तो उनका जो ये डेडिकेशन है वो तो हमें इसके ट्रेलर को ही देखने पर पता चलेगा, जो कि मई में लॉन्च होने वाला है। और ये जो रूमर्स है ये काफी हद तक ऑथेंटिक शो से आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब मार्च और अप्रैल में आपको कुछ दिखाया जाएगा बैटलफील्ड 6 के रिगार्डिंग। जो भी ट्रेलर या टीजर आएगा वो मई तक आ जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा वेट मई तक के लिए, उसके बाद आपको बैटलफील्ड 6 का एक टीजर या ट्रेलर एटलीस्ट देखने को जरूर मिलेगा EA की तरफ से ऑफिशियल। तो बाकी बैटलफील्ड 6 के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं जो मैं आपको बताऊं, और वैसे भी मैंने बैटलफील्ड 6 के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी है, बैटलफील्ड 6 में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, किस टाइप का गेम होने वाला है, वो मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको बताई हैं बैटलफील्ड 6 के रिगार्डिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई सवाल है गेमिंग न्यूज से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज और गेमिंग रिव्यूज रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।